भी अच्छे बोलो अच्छी थी वो बहुत आसान था मुझे कुछ लगा ही नहीं इससे गाना बहुत मुश्किल क्योंकि कट कट करके वो करते हैं एक ही सीन चार बार लेते हैं फिर वही बोलना है चार बार और एक्टिंग मेरा ख्याल है पिताजी की वजह से हम लोगों को ऐसी मिली है विरासत के मिली है एक्टिंग नहीं करेंगे तो गाना ही नहीं होगा हर गाने में हमको एक्टिंग करनी पड़ती है वो जो एक्टिंग हमने की है लाइफ में वो मेरा ख्याल है जब आर्टिस्ट फ़ोन करके बोलते थे कि ये मेरा गाना है जैसे भेले जी ने फ़ोन करके कहा कि आशा जी ये मेरा गाना है आप लिखिया मेरे को बहुत तो हम सोच लेते थे कि क्या कर रहा इसके क्या एक्टिंग करनी है एक्टिंग नहीं करते गले में एक्टिंग करते तो जैसे काम करने में कुछ भी आसान था सर मैम देयर हैव ऑलवेज बीन रिपोर्ट्स अबाउट राइवलरी बिटवीन यू एंड लता जी हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना आज भी हम लोग बैठते हैं मैं जाके उसके पास बैठती हूँ बातें करते हैं सब चीज़ जो कुछ बोली जाती है वो हम लोग हंसते हैं सो बात करते हैं दोनों हंसते रहते हैं और मज़ा आता है आज भी आप रियाज करते हैं जी हाँ 2 घंटे 1.5 घंटा जरूर कभी रात को बैठते हैं रियाज के बिना आवाज़ तो रह गई है जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग जाके ढूंढ के लाते हैं बच्चों को या यंगस्टर्स को उससे पता लगता है लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं क्योंकि ये मीडिया का जैसा काम है जैसा वो करते हैं कि वो जब उनके 4 महीने ख़त्म हो जाते हैं एंड होता है उसके बाद कोई सिंगर नहीं निकलता लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि जो गांव से बच्चे आए हुए हैं जो गाते हैं उनको शो मिलते हैं तब उनका घर चलता है तो ये अच्छी बात है आशा जी आप कैसे खुद को सेहतमंद रखती हैं आपका फिटनेस मंत्रा क्या है सेहतमंद कैसे रखती है कुछ नहीं करती जैसे आप लोग घर में खाना खाते हैं उसी तरह एक साधारण जैसा घर होता है वैसे ही खाना बनता है वैसे ही हम खाते हैं कुछ नया नहीं है कुछ ये नहीं बोलूँ हाँ गले के लिए मैं ठंडा खट्टा ये सब नहीं खाती आइसक्रीम 13 साल की उम्र में छोड़ा अभी तक नहीं खाया तो ये काम करती हूँ बस बाकी कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई पीढ़ियाँ आपने देखी हूँ लेकिन कुछ जो झगड़े हैं इनर वॉर जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं इस पीढ़ी से ज़्यादा खुल के आ रही है मीडिया के सामने तो उस पर क्या टेक है आप क्या बोलूँ मैं इसको शायद उन लोगों को अच्छा लगता है इससे पब्लिसिटी मिलती पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ किया जाता और उस ज़माने में पब्लिसिटी ऐसे नहीं होती थी लोग पिक्चर देखते थे 25 हफ्ते चलते थे सिल्वर ज्वेलरी गोल्डन ज्वेलरी ऐसे होते थे आज 2 हफ्ते पिक्चर चली तो बहुत हो जाता और आज कोई आता है चला जाता है आज कोई आया चला गया समझ नहीं आती कौन आया कौन नहीं आया तो दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है तो मेरा ख्याल इसमें ऐसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहे हैं So, before we move on to some more questions, we are going to unveil the last farewell tour, the UK, farewell UK tour of Asha. The farewell UK tour, ladies and gentlemen, Asha. Go on, अंकल हेलो अरे अंकल लापरवाह इसको बेटा अभी बैठ जाओ यार अभी तो बैठ जाओ
समझ नहीं आया स्टील अरे यार ये व्हाइट टी शर्ट स्टील अरे अंकल अंकल जाइए आगे किया है लेकिन वो अगर बोल दूंगी तो क्या मजा रहेगा ये तो पहुंचाने वाले ही लोग हैं हर जगह अभी जितनी बात हो रही है अभी वो कॉन्सर्ट उसमें बड़ा मज़ा आता है एक तो अपनी ताकत कितनी है वो एग्जाम पता आज जब स्टेज पे हम खड़े रहते तो वो ताकत है कि नहीं पता लगती है कि वही गाने फिर गाना और उतनी ताकत से ले जाना चार मिनट पाँच मिनट जो भी है और तुरंत सामने से रसीद मिलती है वो जो रसीद मिलती है ना वो बहुत अच्छा लगता है प्लेबैक में बहुत रसीद बहुत बार बहुत अच्छा लगता है वो जो कर रही है लेकिन वो हमारा भी गाना गाती है और फॉरेन का भी उसको ये है गाने का शौक है डांस लेकिन वो कथक करती है मॉडर्न भी है क्योंकि है 14 साल की तो नेचुरली आपके मतलब मॉडर्न एज में है वो तो उसको क्या बोलते हैं टीन एज वो हर दिन मुझे सुनाती है आई टीन एज डोंट टॉक तो मेरा ख्याल है आगे भगवान जानता है मेरा आशीर्वाद है उसको कि अच्छी गाएगी और डांस भी अच्छा करेगी कुछ नया करेगी इसने मुझे कहा है मैं नया करूँ क्या बोला ब्यूटी सीक्रेट्स क्या ब्यूटी पहली बार मैंने सुना कि मैं सुंदर हूँ मेरा ख्याल है सब सुंदर होते हैं जो मन से बात करते हैं मन से हंसते हैं बहुत हंसते हैं लोगों के सामने भी अपना दुख नहीं दिखाते हैं जो हंसते रहते हैं वो हमेशा अच्छे रहते लगते हैं अच्छा लिविंग सिंगिंग आपके और क्या पैशन लिविंग सिंगिंग गाने को छोड़ा नहीं लिविंग सिंगिंग गाने के अलावा और क्या शौक है पहले पढ़ने का शौक था किताब नहीं पहले कुकिंग भी है और पहले पढ़ती थी मैं बहुत मतलब किताबें पढ़ने का शौक था सब मैंने किताबें पढ़ी उसके बाद कुकिंग का शौक तो बच्चों के लिए शुरू किया और बाद में सब अभी रेस्टोरेंट बन गए हैं She's not going to tell you. Please, Rohishwal, don't ask the same question again. Okay, last question. Lag Jagale.
लग जाएगा। मैं लास्ट लास्ट मैं मैगजीन सोसाइटी आपकी मैगजीन है तो कुछ सोसाइटी को लेकर कुछ आप करना चाहेंगे अपने थ्रू जिससे सोसाइटी में बदलाव आए कुछ समथिंग न्यू मालूम है समझ गए लेकिन अच्छा मैगजीन है सारे मैगजीन अच्छे होते हैं और मैं इससे कोई आज नहीं देख रही हूँ मेरा ख्याल है बहुत साल पहले पहले से देखती हूँ देखती आ रही हूँ हाँ एक बार 83 में आई थी मैं लेकिन मेरे साथ सुनील गावस्कर वगैरह थे और हाँ तो लेकिन ऐसा पहली बार मेरा अकेले का फोटो आया है तो अच्छा लगता है मैं भी आता हूँ।